चीनी बरामद की इजाजत देने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वजीर आजम से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट में इमरान खान को बचाने की कोशिश की गई। सिंध में किसी एक बिजनेसमैन या एक मिल को सब्सिडी नहीं दी गई। ओमनी ग्रुप की सब्सिडी को पहाड़ बनाकर पेश किया जा रहा है। विपक्ष ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए नया शोशा छोड़ा। आज सब ठीक है तो फिर चीनी की कीमत 80 रुपए किलो से ज्यादा क्यों है? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के तब्दीली सरकार पर बात। कहा सिंध हुकूमत 26 फरवरी से कोरोना से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। सूबाई हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रही है। तो बुरे थे, आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। मैं आज का रेट आपको दे रहा हूँ 80 रुपए किलो, तो 53 रुपए कहाँ जब हम सब्सिडी दे रहे थे और 80 रुपए कहाँ? मैं समझता हूँ आवाम इस बात का फैसला करेगी। अपनी नाहली और दीगर चीजों को छुपाने के लिए और एक नया शोशा छोड़ दिया गया, और जिस चीफ मिनिस्टर के लिए सब कुछ लिखा गया उसका नाम तक नहीं ले रहे, जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी उनका कहीं जिक्र नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है।